तो हम जूम ऐप के जरिए आपको डेली बेसिस पे क्लास देंगे। हमारे पास जूम ऐप और एक गो टू मीटिंग है, लेकिन गो टू मीटिंग में आउट ऑफ इंडिया के लिए यूज करता हूँ, बहुत सारे कंट्रीज में जूम बैन है। और जूम जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इंटरनेट की स्पीड को कम खाता है, कम स्पीड पे भी चल जाता है। बट गो टू मीटिंग एक सॉफ्टवेयर हमारा या एनी डेस्क वगैरह है, उनके लिए स्पीड ठीक ठाक चाहिए होती है। तो जूम में एक और फैसिलिटी है कि आप अपने सेशन को खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, तो आप अपने सेशन को खुद से रिकॉर्ड कर ले। तो अल्ट प्लस आप तो आप अल्ट प्लस आर प्रेस करें भावना जी, तो मेरी सेशन को आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। ऑल्ट प्लस ऑल हाँ, अल्ट प्लस आर। सर A double L करूं उसके साथ। हेलो हाँ, अरे अल्ट की है ना आपके सिस्टम का, ऑल आपके कीबोर्ड का जो अल्ट की है, ऑल्ट INT। के साथ क्या करूं सर? आर हाँ, प्रेस कीजिएगा। हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। कर दिया सर। क्लास क्या होगा भावना जी, ये सेशन रिकॉर्ड होके आपके माय डॉक्यूमेंट के जूम फोल्डर में आएगा। तो आप क्लास के बाद, डॉक्यूमेंट के बाद माय डॉक्यूमेंट में जूम फोल्डर पे जाएंगे, तो ये आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग इस तरह के फोल्डर्स में होगा। आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले तो कन्वर्ट करना होगा, डबल क्लिक करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट होने के बाद आप रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से दिखे, ठीक है? ऐसे दिन क्लास आपकी मिस हो जाती है, आपकी रिकॉर्ड आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैं भी रिकॉर्ड बताओ, तो मैं भी रिकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ओके, तो भावना जी आप बताइए, बढ़िया सर। आप रिकॉर्डिंग होगी सीखना क्या चाहते हैं? सर मुझे बीबीए मैक्रो। ओके, तो भावना जी VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हैं, तो एक इसके सीखने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपकी एक्सेल की स्किल्स ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, हम एक्सेल के फीचर को ही ट्रिगर करेंगे। तो VBA होता क्या है, चीज को समझिए। VBA के जरिए हम दो चीज है, पहली चीज हम ऑटो पायलट क्रिएट करते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपको एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप डेली 2 घंटे में बनाते हैं। जो बनाने का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को लाइन बाय लाइन आप कोड कर दीजिए, कि नेक्स्ट टाइम आपका जो 2 घंटे का टाइम है वो विद इन सेकेंड में हो जाएगा, बस क्लिक करते ही आप उसको किसी को भेज सकते हैं। VBA का पहला काम ये होता है, ऑटो पायलट जिसको हम लोग माइक्रोज करते हैं वो बनाना। दूसरा फीचर दूसरा होता है एक्सेल में कस्टमाइज ऑप्शन क्रिएट करना। जैसे कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास है, लेकिन आपके लिए कोई कैलकुलेशन करना है, उसकी फॉर्मूला नहीं है, तो आप उसके लिए अपनी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आखिर हम जो ट्रिगर करेंगे वो एक्सेल के ऑप्शन का ही करेंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास एक डेटा है, अब इस डेटा को मुझे सिलेक्ट करना है। मैंने एक डेटा, छोटा सा सैंपल डेटा बनाया, मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो एक्सेल में सिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl A कर देते हैं, लेकिन इसी चीज को अगर हमें VBA के किसी मैक्रोज में या किसी फंक्शन में डालना है, तो मैं उसको वहां पे तो नहीं डालूंगा ना कि प्रेस Ctrl A, वहां पे हमें तो एक ए डालना पड़ेगा, प्रोसीजर के अंदर में बताना पड़ेगा। एक Ctrl A का ऑप्शन क्या होता है, क्योंकि जो भी शॉर्टकट है उसकी ऑप्शन होती है। जैसे कि कॉपी हम करते हैं Ctrl C, उसका ऑप्शन यहाँ है, हम कॉपी Ctrl C कर लेते हैं। हम यहाँ पे Ctrl V करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट कर दिए। ऐसे हर ऑप्शन का, शॉर्टकट का, यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल होता है। जो हम Ctrl A करते हैं, सॉर्ट सिलेक्ट ऑल,
उसका शॉर्टकट पता है आपको मैम क्या है? उसका ऑप्शन यहाँ होता है फाइनल इसमें एक्सेल में तो कंट्रोल यही करते क्या बोल रहे क्या बोल रहे सर समझ नहीं आया मतलब जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेल के अंदर में शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं ना कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल अल्ट एल पी इसे करते हैं ना अल्ट डी डी पी उसका कहीं ना कहीं कमांड होता है ना जैसे मैं कंट्रोल सी किया वो कंट्रोल सी का कमांड या मेनू होम मेनू बार के अंदर ये रहा ना क्या हम तो इस करने के लिए कंट्रोल सी भी यूज कर सकते हैं और हम इस पे क्लिक भी कर दोनों कर सकते हैं उसी तरह से जो हमारा कंट्रोल ए है सिलेक्ट ऑल करने का उसका कमांड क्या है क्योंकि मुझे इसको है। तो वीवीए में जब तक हमें एक्सेल के कमांड के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे क्योंकि मुझे अगर कॉपी के बारे में पता है तो हम लिख देंगे कि रेंज यहाँ पे कि ए वन से ए फिफ्टीन डॉट पेस्ट करने का पेस्ट हुई होता है तो हम पेस्ट के लिए पेस्ट कर देंगे एक्टिव सेल या फिर ए वन डॉट पेस्ट उसमें सिलेक्ट करने का कोड क्या होता है सिलेक्ट करने का कमांड क्या होता है वो होता है फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल और क्वेरी तो अगर वीवीए में मुझे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे लिखेंगे एंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट तो इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि आप सर एक बार दोबारा बोल मैं आपको ये समझा रहा था कि समझाने का मोटिव भी समझिए क्या है बताने का मोटिव कि आपको एक्सेल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए अगर एक्सेल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो ये वीवीए प्रोग्रामिंग आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा भावना जी हेलो हाँ जी सर जी 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 तो एक्सेल की नॉलेज आपके अच्छी खासी होनी चाहिए अब दूसरी चीज होता है प्रैक्टिस टाइम तो हमने बताया था वीवीए सीखने के दो क्राइटेरिया है पहली क्राइटेरिया है कि आपको एक्सेल के मेन फीचर्स पे फॉर्मूले पे ठीक ठाक ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपर्ट हो बट ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए दूसरी आपके पास दो घंटे का प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए अब देखिए क्लास में कैसे देता हूं मैंने एक एक ऑप्शन एक एक कमांड एक एक कोड में आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा फिर जिस फाइल पे मैं काम करूंगा उस फाइल को आपको मैं मेल करूंगा या फिर जो कोड में उस कोड को आपको मेल करूंगा अब आपको मेरे आपको क्लासेस जो होगी हमारी उसकी वीडियो डाउनलोड आप वीडियो डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में तो क्लास के बाद टाइम निकाल के आपको पहले उस वीडियो को देखना जैसे जैसे मैंने बताया और समझाया है उस तरह से उसको फॉलो राइट पहले चीज जब मेरे बताए हुए चीजों को पूरी तरह से आप नकल कर लिए कि हाँ जैसे मैंने दिखाया वैसा आप भी कर लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे उसी समय कर सकते हैं अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको फोन पे एक्सप्लेन कर दूंगा बड़ी प्रॉब्लम हुई तो आप उसको डायरी में नोट कर लीजिएगा अगले दिन की क्लास स्टार्ट होने से पहले उस चीज को आप पूछ लीजिए उसके बाद बात सिर्फ इतने पे आपको नहीं रुकना है कि मैंने समझा दिया और समझ लिया उतने पे नहीं रुकना है फिर उस टॉपिक को आपको गूगल पे यूट्यूब पे रिसर्च करना है जैसे कि मैंने आपको अभी कि सिलेक्ट ऑल राइट तो सिलेक्ट ऑल के लिए हमने बोला कि जो हम करते हैं कंट्रोल ए करते हैं तो सिलेक्ट ऑल जो होता है उसके लिए वीवीए में हम कोड लिखते हैं रेंज ए1 में स्टार्टिंग ऑफ द डेटा एंड करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट ये क्या करता है ये आपका ए1 पे कर्सर रखे यहां ए1 पे कर्सर रखेगा और पूरा डेटा करेंट रीजन मतलब कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर क्लियर है अब आपने समझ लिया आपने ट्राई भी कर लिया इसके बारे में और ज्यादा आप करें
अब यहां लिख सकते हैं, यहां पे आप गूगल पे सर्च करेंगे कि हाउ कैन स्लैक ऑल डेटा बीवीए कोड, जो भी सर्च है। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियो पे जाएंगे तो वीडियो मिलेंगे, तो टाइम के अनुसार आप उतने क्वेश्चंस उतने चीज को आप देखे। देखिए यहाँ पे एक्टिव सेल, सेल डॉट स्लैक, यहाँ पे और चीज आपने देखा सेल, आपने यहाँ पे सीखा इस सेल्स डॉट स्लैक, मतलब पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता है यहाँ से। आपको समझ में कोड अप्लाई करके देखेंगे, इफेक्ट समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो उस कोड को आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद मुझे अगली क्लास में सर पूछेंगे कि सर इस कोड को एक्सप्लेन कर दीजिए। समझ गए भावना जी? ये भी आपको एंटायर डेटा सिलेक्ट करने का डिफरेंट डिफरेंट कोड है, दिख रहा है आपको? तो ये कोड आपको तभी आएगा जब मैं आपको अपनी क्लास दे दूंगा, अपनी क्लास आपको दे दूंगा तो आपको देखिए आप करेंट रीजन है, मैं एक करेंट रीजन बताया, अब इसके चक्कर में आप कितने सारे कोड को सीख जाएंगे। तो रिसर्च इंपोर्टेंट, रिसर्च में क्या होगा, क्योंकि मैं आपको किसी भी प्रोग्राम के रिलेटेड आपको दो या तीन एग्जाम्पल दूंगा, आप ज्यादा कोर्स करेंगे तो मैं आपको पांच एग्जाम्पल दे दूंगा, बट पांच एग्जाम्पल आपको एक एक्सपर्ट बनाने के लिए काफी नहीं है। उस पांच एग्जाम्पल को रेफरेंस में लेकर आप 50 एग्जाम्पल पे ट्राई करेंगे तभी आप बिकम एक्सपर्ट एंड बीवी एक्सपर्ट बनेंगे। इसके लिए आपके पास दो घंटे का आप प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए। इसलिए मैं क्लास के शुरुआत में हर स्टूडेंट को बता देता हूँ, क्राइटेरिया की सीखने से पहले इसकी एबिलिटी होनी चाहिए तभी आप कोर्स को ज्वाइन करें। अदरवाइज आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं और प्रैक्टिस पे आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है कुछ खास ज्यादा नहीं करते। अब हम पहले दूसरी क्राइटेरिया टाइमिंग की, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई आपके साथ हेल्प नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। क्राइटेरिया कि एक्सेल में ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, तो अब आपके पास कितना स्किल्स है वो तो मैं आपके साथ जब दो चार पांच दिन में काम करूंगा तब तो आपको समझ में। लेकिन फिलहाल क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक वीडियो लिंक प्रोवाइड करेंगे, ये वीडियो लिंक है, इस वीडियो लिंक को मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ये तकरीबन 5 घंटे की लिंक है भावना जी। अब इस 5 घंटे के जो लिंक है इस लिंक को आप आराम से बैठ के देखें। अब इसमें हर एक चीज देखने की जरूरत नहीं है, इसमें जो आपको पहले से आती है उसको आप स्किप कर दीजिएगा और जो चीज नहीं आती है उसको आप। तो इसमें मैंने वो सारी चीजें दी गई है जो एक स्क्रिप्ट को एक ऑफिस स्टाफ को एक्सेल में काम करने के लिए आनी चाहिए। इसमें एक्सेल भी है, फॉर्मूला भी है, कुछ पार्ट दीजिएगा भी, और जो भी मेरे पास ज्वाइन करता है वीडियो क्लासेस के लिए उसको सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करता हूं। ठीक है भावना जी? ओके। तो इस वीडियो को अब हम कोर्स के बारे में, क्लासेस के बारे में आपको समझा देते हैं क्या क्या टॉपिक कवर होगा। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट ipt.com पे जाएंगे और जो VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग जो भी कोर्स है उसके इस पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका पेज खुल जाएगा और इस पेज के अंदर में आप जाएंगे। हेलो बोलिए। हेलो बोलिए।
ये मैं कह रही हूँ कि अगर जैसे मुझे VBA मैक्रो करना है तो इसके लिए कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है क्या? नहीं, सॉफ्टवेयर आपका एक्सेल है ना, एक्सेल अंदर ही सॉफ्टवेयर होता है। आप एक्सेल के अंदर ही आप जाएंगे और शॉर्टकट है हमारा Alt+F11। देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसको क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। क्योंकि आप VB6 या स्टूडियो नहीं सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं VBA, रीजनल फॉर एप्लीकेशन, मतलब एक्सेल के अंदर में नए फीचर को ऐड करना आप सीख रहे हैं, जो कि सिर्फ एक्सेल के अंदर ही परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, बस आपके पास एमएस ऑफिस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए। हेलो भावना जी। हाँ जी, हाँ जी, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ तो मैंने उसे कल चेक किया हुआ। तो मैं बोला था कि आपको कुछ नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, जो फीचर्स आपको चाहिए वो फीचर्स एक्सेल में भी अवेलेबल है। आप अपने एक्सेल में ऑफिस में Alt+11 प्रेस करेंगे तो आपका ये VBA का इंटरफेस आ जाएगा, VBA का इंटरफेस, क्योंकि आप VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन सीख रहे हैं, मतलब कि एक्सेल के अंदर में कुछ नई चीज को कस्टमाइज करना, ठीक है मैम? एक्सेल में ही चलेंगे, ओके? तो हम कोर्स के ऊपर आते हैं, हमारे कोर्स में तो आपको यहाँ पे सारे कंटेंट दिख जाएंगे कि इस कोर्स में क्या टॉपिक कवर है, ठीक है जी। ओके, इसकी ड्यूरेशन 45 के आसपास होगी, मंडे टू फ्राइडे टू 1 आवर की क्लासेस मिलेगी, 1 आवर आपका लाइव होगा पूरा होगा। इस क्लासेस में आपको क्लास की वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल्स एंड फ्री रीज्वाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा जी। रीज्वाइनिंग मतलब ये हुआ कुछ क्लासेस बाद अगर आप भूल जाते हैं, मान लीजिए कि आपने क्लासेस ले लिया और 6 महीने तक आपकी प्रैक्टिस पास नहीं रही, अधिकतर चीज भूल गए, या फिर मान लीजिए कि आपने VBA का लूप भूल गया, आपको दोबारा से पढ़ना है, करेंगे हमारे जो रनिंग बैच होगी बता दूंगा, उस टाइम में आके आप दोबारा से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, कोर्स को कवर कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो मैंने वीडियो आपको भेजा है प्लीज उस वीडियो को आप देखिए, फिर आगे हम इसके बारे में डिस्कशन। ठीक है भावना जी, क्योंकि वीडियो देख के आप लगाइए कि हाँ आप एलिजिबल है VBA की नहीं है, आप VBA वीडियो के सारी चीजें या फिर मोस्टली चीज आपको पता है कि ज्वाइन द VBA, आप ऐसा लगा वीडियो में हर एक चीज मेरे लिए, तो मैं आपको डायरेक्ट VBA का सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक्सेल सीखे उसके बाद VBA दें, ठीक है भावना जी? तो पहले आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं हम कल सेम टाइम।